नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल टोटल स्टडी IQ के करंट अफेयर लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें फ्रेंड्स, हमने MP के करंट अफेयर हैं जो कि एक साल के करंट अफेयर हैं, जो कि फ्रेंड मध्य प्रदेश का जो एग्जाम होने वाले हैं, ट्रैफिक वाले, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट सेकेंड, और फ्रेंड्स जेल प्रहरी और टीचर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन भावांतर योजना संबंधित है। ये फ्रेंड्स कृषि से संबंधित है, यानी कि फ्रेंड जो मार्केट प्राइस और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस MSP और मार्केट प्राइस के बीच का जो अंतर रहता है उसको मतलब गवर्नमेंट खुद वहन करती है, खुद मतलब जो अंतर रहता है किसान को जो लॉस रहता है गवर्नमेंट खुद देती है MP गवर्नमेंट। तो भावांतर योजना कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंड, संबल योजना किस स्टेट ने शुरू की है? तो फ्रेंड मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इसमें क्या है फ्रेंड, जो गरीब हैं BPL फैमिली वाले उनका फ्रेंड्स जो बिजली बिल है वो माफ़ किया गया है, संबल योजना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, किस पूर्व PM का जन्म MP में हुआ था जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? तो फ्रेंड अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। किनका जन्म? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में फ्रेंड्स तानसेन का मकबरा, ग्वालियर का किला बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सास बहु मंदिर, ये तो ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी BJP के नेता थे, बीच भारतीय जनता पार्टी के, और फ्रेंड चार ये तीन बार तीन चार बार PM बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो खरीदी केंद्र MP में किस स्तर पर खोले जाएंगे, जो अनाज खरीदी केंद्र? तो फ्रेंड अभी ब्लॉक स्तर पर खोले जाएंगे, अच्छे मतलब खरीदी केंद्र खोले जाएंगे किस पर? ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट है दोस्तों, MP की राज्यपाल कौन है, यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है अभी? तो मध्य प्रदेश की गवर्नर फ्रेंड्स आनंदीबेन पटेल जी हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कुछ समय पहले ये गुजरात की CM भी रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो फ्रेंड 230 हैं और एक मनोनीत किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में फ्रेंड क्योंकि अभी 2019 में चुनाव होने वाले हैं ना, 18 में, तो कितनी 230 विधानसभा सीट है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं, बेल आइकन, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।